अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अंडा टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो कि बेहद लजीज बनता है और बनाना काफ़ी सिंपल है। तो पूरे वीडियो आप एंड तक देखिए। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये अंडा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू और अंडा को बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर देखिए हम मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हरा मसाला बना लेते हैं। तो ढेर सारी धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज के भी छिलके निकाल लिए हैं। इस तरह से प्याज को क्यूब में काटकर चार प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे और दो प्याज को हम फ्राई करके बिरिस्ता की तरह रख लेंगे, जो कि हम ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर हम एक बाउल में एक कप भर के दही ले लेते हैं। इसमें हम 2 टीस्पून भर के नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डाल देते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। 2 टीस्पून डालेंगे वाइट पेपर। वैसे अगर आपके पास ये वाइट पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टीस्पून भर के होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। वैसे अगर आप चाहें तो ये धनिया पाउडर को स्किप कर सकते हैं। सभी मसालों को मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं जिसमें हमें बिरयानी दम पे लगाना है, तो वही बर्तन यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो बॉयल किया हुआ अंडा को हम फ्राई कर लेंगे। और अंडा जब हम बॉयल कर रहे थे उसमें से 2 अंडा जो है ना ख़राब हो चुका है, तो फट गया है, तो वो यहाँ पर हम फ्राई नहीं करेंगे, बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी में हम बॉयल किया हुआ आलू डाल देते हैं। यहाँ पर आप देखें ऑयल गर्म है तो काफ़ी अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर आ रहा है। अंडे के ऊपर और भी अच्छा कलर लाने के लिए आप इसमें जो है 1 पिंच जितना हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो पहले तो हम आलू ऐड करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। कुछ लोग जो है बिरयानी में आलू नहीं पसंद करते हैं और कुछ लोग को काफ़ी पसंद आता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और 1 पिंच जितना हल्दी डाल देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो ग्रीन टिक्का जब हम बनाते हैं ना तो उसमें हल्दी नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा हल्दी अगर हम फ्राई करते समय डाल देते हैं ना तो अच्छा सा कलर आ जाता है, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी भी स्किप कर सकते हैं। अब अंडा जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी बर्तन में हम ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा हम खड़े मसाले डाल देते हैं जिसमें हमने 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। मसालों को थोड़ा चटकने देंगे, उसके बाद जो है ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो है मीडियम फ्लेम पर प्याज को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि प्याज का पूरी तरह से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। जब प्याज इस तरह से भून जाए, इसके कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो जाए, तब हम इसमें हरे मसाले ऐड करेंगे। जो हरा मसाले का हमने पेस्ट बनाया था इसी में हम जो दही का पेस्ट बना कर रखें वो भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, तो लो फ्लेम पर हम सभी मसालों को भूनेंगे। तो यहाँ पर हम लेड लगा देंगे। लो फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट मसालों को भूनने देते हैं। और यहाँ पर जो है हम एक दूसरा सा बर्तन लेंगे जिसमें हम 3 लीटर पानी ऐड करेंगे, जिसमें जो है हम चावल बॉईल करने वाले हैं। तो इसमें हम 2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून सा जीरा ऐड करेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ता डालकर पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। यहाँ पर देखें 4 कप जो है हमने चावल को भिगो दिया था 20 मिनट के लिए। चावल जब भीग जाए तो उसका पानी स्टैंड करके हमने छन्नी में रख दिया है। तो अब यहाँ पर जो है पानी में चावल डालकर हम 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। और चावल को हमें सिर्फ 60% पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इसे दम पे गलाएंगे चावल को। यहाँ देखें माशाल्लाह मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है, मसालों से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस तरह से जो है ना आप अंडा टिक्का करी भी बना सकते हैं, आप रोटी के साथ चावल के साथ भी खा सकते हैं, बेहद लजीज लगता है। अगर आप अंडा बनाते हो तो इस तरह से एक बार ग्रीन टिक्का बनाकर देखें, बेहद सबको पसंद आने वाला है। बहुत ही कम मसालों में बेहद लजीज ये टिक्का बनता है। वैसे तो ये तवे के ऊपर बनाया जाता है। आज जो है ना हमारा रोटी बनाने का मूड नहीं था, सोचा क्यों ना आज हम ये ग्रीन टिक्का का आज बिरयानी बनाएं और आपके साथ भी शेयर करें।
तो इस तरह से जो है ना खुरापात हमारे दिमाग में चलते रहता है और सोचा आपके साथ भी शेयर करें। और इतना ये लजीज बनाया था ना, सभी लोग तारीफ कर रहे थे। अब जो है इसमें हम ये बॉयल किए हुए चावल का पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। और यहाँ पर देखें चावल हमें किस हद तक पकाना है। जब हम इसे तोड़ रहे हैं ना तो ये इस तरह से टूट रहा है, बिल्कुल भी गला नहीं है। तो अब जो है इस चावल का पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि मसाला जो है नीचे तलवे में ना चिपके। और ये जो ऑयल सेपरेट हुआ है ना, ये ऑयल हम एक प्याले में निकाल लेते हैं। ये तो जो कोई भी हम बिरयानी बनाते हैं ना, तो हर बिरयानी में हम यही ऑयल निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें रोगन रहता है। और यही ऑयल हम ऊपर से डालते हैं तो पूरा जो है मसाले का फ्लेवर चावल में आ जाता है। तो अलग से हमें घी और ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा घी वगैरह भी नहीं होता है। और हमारी बिरयानी जो है ना बहुत ही लजीज बनती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें आप फॉलो करते हुए आप कुकिंग करेंगे ना, तो आपकी भी डिश बेहद लजीज बनेगी। तो यहाँ पर हम आलू और अंडा को इस तरह से फैला देते हैं। उसके बाद जो है बीच में हम रखेंगे चारकोल, इसके ऊपर हम घी डालेंगे। यहाँ पर घी जो है ना काफ़ी थोड़ा ठीक हो चुका है क्योंकि बारिश का मौसम है। तुरंत हम इसे कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा सा इसमें स्मोक आना चाहिए। यहाँ पर देखें चावल का पानी हमने स्ट्रेन कर लिया है और एक प्लेट में इसे फैला लिया है। आप देख सकते हैं कितना इसमें स्मोक बना है। तो इस तरह से स्मोक बनाकर हम ये बिरयानी बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबूदार बिरयानी बनती है। बहुत ही कम मेहनत में ये हमारा ये टिक्का बिरयानी बनता है। तो 10 मिनट के बाद जो है हम प्याली को बाहर निकाल लेंगे। जो इसमें आपको घी मेल्ट हुआ दिख रहा है वो घी भी हम पतीले में डाल लेते हैं। तो अब ये मसाले के ऊपर ही हम चावल को फैला लेंगे। अब कुछ लोग को ये डाउट होता है कि जब हम इसके ऊपर से चावल डालेंगे और दम के लिए रखेंगे तो फिर मसाला नीचे जल जाएगा, बट बिल्कुल भी नहीं जलता है। और जो है ना हमारी इसी से बिरयानी बेहद लजीज बनती है क्योंकि जब हम इसे दम के लिए रखते हैं तो पूरा मसालों का जो फ्लेवर है ना चावल में आ जाता है, और इसलिए हम इसमें स्मोक भी लगाते हैं। तो एक बार जो है ना पूरे टिप्स को फॉलो करते हुए आप बिरयानी बनाकर देखें, उसके बाद जो है हमें फीडबैक दें कि आपकी बिरयानी बनी कैसे थी। अब चावल को इस तरह से हम फैलाते हुए डालेंगे, एक बराबर कर देते हैं। और ध्यान रखें जब आप बिरयानी दम के लिए रखें ना तो मोटे पार्ट का तवा इसके नीचे ज़रूर रखें। अब पहले तो हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है, तवा को हम गर्म होने देते हैं। 5 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसे कवर करेंगे। उसके बाद जो है ना 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम बिरयानी को दम के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम जो है अंडा ग्रेट करके ऊपर से इस तरह से लेयर लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसी स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम 1 से 2 अंडा ग्रेट करके फैला देते हैं ना तो और भी खाते समय बाइट में आता है ना अंडा, तो अच्छा लगता है। अब ये फ्राई किया हुआ हम प्याज डाल देते हैं। और यहाँ पर ग्रीन अंडा टिक्का बना रहे हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी डाल देते हैं ऊपर से। वैसे अगर आपके पास ये कलर नहीं है ना तो आप इसे स्किप कर दीजिए। जो हमने ऑयल निकाल कर रखा था वही ऑयल हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं और आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर हम इसे दम के लिए रखेंगे, ध्यान रखें। तो जब 20 मिनट हो जाए तो यहाँ पर हम लेड हटाएंगे और आप देख सकते हैं कितना इसमें स्टीम बना है और माशाल्लाह बेहद लजीज खुशबू आ रही है। लेकिन अभी जो है वापस से हम इसे कवर करेंगे, 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। जब कभी भी आप बिरयानी बनाएं, जब दम पे अच्छे से ये हो जाए ना तो आप उसे गैस बंद करने के 10 मिनट बाद ही आप लेड हटाएं। यहाँ पर देखें तलवे में बिल्कुल भी नहीं चिपका है, चावल भी एकदम फ्रेश फ्रेश बना है, तो है ना काफ़ी बेहद लजीज। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर बिरयानी की बहुत ही सारी रेसिपीज हैं, आज हमने सोचा क्यों ना आज हम एक टिक्का बिरयानी भी आपके साथ शेयर करें। तो इस तरह से जब हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं काफ़ी जल्दी में बनाते हैं तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, आज सोचा चलें ये भी हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ, आपको भी बेहद पसंद आएगा।
आप इसे जो है ट्राई ज़रूर करिएगा, और हाँ फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।